पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरे देश में जहां बांटने की राजनीति हो रही हो, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन की बेगमबाग कॉलोनी से आ रही सर्वधर्म संभाव की महक से दिल को सुकून मिलता है। दरअसल सर्वधर्म मददगार सोसाइटी सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रही है, जिसके सम्मेलन से पूर्व शुक्रवार की रात सामूहिक उत्सव की शुरुआत हुई और दुल्हनों को सामूहिक मेहंदी लगाई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिरकत की। रविवार को एक ही मंच पर 12 जोड़ों का निकाह पढ़ा जाएगा और 3 जोड़े फेरे लेंगे। यह सर्वधर्म संभाव और एकता की मिसाल देखने को मिली है। इस आयोजन के सहभागी बनने के लिए बेगमबाग क्षेत्र की जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच पर बैठी 15 दुल्हनों को मेहंदी लगाने के लिए क्षेत्र की महिलाएं हाथों में हार फूल और मिठाई के थाल लिए कतार लगाए खड़ी थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी एक ही मंच पर नजर आए। उज्जैन नगर निगम महापौर और अपर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने शादी के बंधन में बनने जा रही दुल्हनों को गीता और कुरान भेंट किए। वहीं हल्दी की रस्म में शामिल होने आई भैरवगढ़ जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने भी दुल्हनों को चांदी की बिछिया उपहार में दी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। इसमें 15 जोड़े हैं और हर साल पिछले साल भी इसमें 7 जोड़ों का सम्मेलन हमने किया था। पिछले साल से इसकी परंपरा शुरू करी है हमने। इस बार 15 जोड़े हैं, इस बार सामूहिक रखा। पिछली बार मुस्लिम बच्चियाँ थी, इस बार हिंदू मुस्लिम मिलके ने सामूहिक बच्चियाँ 3 बच्चियों के फेरे हैं और 12 बच्चियों के निके हैं। 19 तारीख को दिन में 11 बजे। और क्या आज इन सब बच्चियों का एक हल्दी का प्रोग्राम रखा गया था। हल्दी की रस्म जो होती है वो हमारे घर से हमारे मोहल्ले से हल्दी लगाई गई इनको। आज सबको यहाँ पर बुलाकर उपस्थित हुए थे डिप्टी कलेक्टर विदिशा मैडम और महापौर मीना जोनवाल जी और जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर जी। 19 तारीख को किस तरह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? 19 तारीख को भी एक ही मंच पर निके और फेरे किए जाएंगे। समय क्या रहेगा? समय 11 बजे से कार्यक्रम का आयोजन 11 बजे से शुरू किया जाएगा। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।